नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उस तरीके से देखें तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ईश्वर में आस्था जो है बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों की बात करें तो कभी वो हरिहरनाथ मंदिर में नजर आते हैं, कभी कामाख्या मंदिर में नजर आते हैं, कभी सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करते दिखाई देते हैं और कभी वो कहीं ना कहीं किसी भी मंदिर में दिखाई दे ही जाते हैं। एक बार फिर से वो देवघर जा रहे हैं जहां पर वो भगवान के दर्शन करेंगे। इस बार भी वो अपनी पत्नी के साथ देवघर के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर कल यानी कि सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है भगवान के दर्शन करने वाले हैं। जिस तरह से बिहार की सियासत में भूचाल आई हुई है, आप भी समझ सकते हैं कि इस वक्त का समीकरण क्या होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, ऐसे भी कयास लग रहे हैं। और इसी कड़ी में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इस वक्त का मंदिर दौरा जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से वो कल जो है देवघर में भगवान के दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि इस बार लालू प्रसाद यादव आखिर क्या सोच कर भगवान के मंदिर में उनके दर्शन को पहुंचे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। रविवार को लालू यादव अपनी पत्नी के साथ देवघर गए, जहां पर सोमवार यानी कल वो बाबा बैद्यनाथ के दर्शन भी करने वाले हैं। उनका जलाभिषेक और पूजा अर्चना करेंगे। लालू पटना से दोपहर 12:35 पर इंडिगो फ्लाइट से रवाना हुए और इससे पहले 4 सितंबर को लालू यादव ने राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया था। 6 सितंबर को जन्माष्टमी पर वो बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ बाकी बिहारी मंदिर भी गए थे और यहाँ पर नंदी के कान में उन्होंने अपनी मन्नत भी मांगी थी। इधर लालू प्रसाद यादव के देवघर पहुँचने को लेकर झारखंड के राजद कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव राजद कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद शाम में वो सर्किट हाउस में नेताओं से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यह यात्रा विशेष भी मानी जा रही है। लालू देवघर में रात्रि विश्राम करेंगे। देवघर में सर्किट हाउस में वो ठहरेंगे। वहीं लालू के देवघर दौरे को देखते हुए शहर की सुरक्षा को ज्यादा बढ़ा दी गई है। सर्किट हाउस के पास सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू यादव बिहार इंडिया की लोकसभा चुनाव में भारी जीत दिलाने के लिए पूजा पाठ में जुट गए हैं। पिछले साल अगस्त में बिहार में भाजपा को सत्ता से हटाकर जदयू, कांग्रेस और वाम दलों के साथ सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने के बाद लालू भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। बिहार में सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं और विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार के साथ लालू यादव लगातार सक्रिय है। पटना, बेंगलुरु और अभी हाल में ही मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में लालू पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला भी बोलते हुए दिखाई दिए थे। 19 दिन पहले लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में भी माथा टेके थे। साथ ही अपने गाँव फुलवरिया के मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी कर्म स्थली सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा की। 2 दिन पहले ही बड़े बेटे मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के मंदिर में भी पूजा किए थे। तो आप खबर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव जो है इन दिनों मंदिरों में काफी ज्यादा सक्रिय बने हुए हैं। हर जगह पर वो पहुंचकर मत्था टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको लेकर झारखंड में विशेष तरीके की तैयारी भी की जा रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है देवघर पहुंच रहे हैं या कहे तो जल्द ही वो भगवान के दर्शन करने वाले हैं। इसको लेकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाई गई है। जिस तरीके से बात कही जा रही है कि वो सर्किट हाउस में ठहरने वाले हैं, जहां पर वो तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस वक्त झारखंड पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर वहां के कार्यकर्ताओं में जो है काफी ज्यादा उत्साह भी देखी जा रही है और ऐसा भी कयास लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का ये देवघर जाना जो है काफी ज्यादा अहम है, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसे देखा भी जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।